स्वागत है आपका हमारे तीसरे वीडियो के अंदर। हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं अमृत मिट्टी के बारे में। अमृत मिट्टी किसे कहते हैं, ये कैसे बनती है, और प्रकृति में जो मिट्टी है, जो अमृत मिट्टी इतने वर्षों से लंबी प्रक्रिया के बाद बनती थी, आज हम इसको किस प्रकार से बहुत कम समय में बहुत जल्दी इसको एक अमृत मिट्टी को बना सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथियों, पौधे के विकास के लिए आवश्यक सभी रासायनिक, भौतिक और जैविक गुण इसमें संतुलित मात्रा में होते हैं, जिसका नाम अमृत मिट्टी रखा गया है। जो मिट्टी पौधे के या समुचित समग्र विकास कर सकती है, इसीलिए इसको हम अमृत मिट्टी बोलते हैं। और ये मिट्टी तैयार कैसे होती है, यह समझने के लिए इस बात पर विचार करना होगा कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कहाँ पाई जाती है। दोस्तों, प्रकृति में हम अगर ये सर्वे करें कि सबसे अच्छी मिट्टी कहाँ पर तैयार होती है, वो होती है वर्षावन। वर्षावन क्या होते हैं? ऐसे इलाके जहाँ पर बहुत घने वन होते हैं और वहाँ बारिश होती है, और इन जो जंगल होते हैं, ये वर्षावन पृथ्वी पे बहुत सारे हिस्सों में ये वर्षावन मौजूद हैं, और इन जंगलों में पानी और हवा की वजह से पत्थरों और चट्टानों की जो बारीक मिट्टी होती है, वो धीरे धीरे करके उसका रूपांतरण होता रहता है, और ये मिट्टी उन पत्तों के ऊपर में जमा हो जाती है। जंगल में सभी जीव मिट्टी और पत्तों के ऊपर अपना मलमूत्र त्याग करते हैं, और बरसात का जो पानी होता है वो पेड़ों की छाया और मिट्टी इसके ऊपर एक नमी जैसा माहौल बना के रखते हैं, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ये प्रक्रिया जब 500 सालों तक, यानी 100 से 500 सालों तक जब ये प्रक्रिया धीरे 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 करके चलती रहती है, तब जाके सूक्ष्म जीवों की मदद से एक बहुत अच्छी क्वालिटी की मिट्टी तैयार होती है। लेकिन जो आधुनिक विज्ञान है, मनुष्य है, इसने अपनी समझ से और अपने अभ्यास से इस प्रक्रिया को बहुत छोटा करते हुए 140 दिन तक इस प्रक्रिया को ले आए हैं। कहाँ 100 से 500 वर्ष और कहाँ 140 दिन। आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि 140 दिन में अमृत मिट्टी का निर्माण कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले जो इस मिट्टी को जो बनाने के लिए जो हमें जो सामान जो चाहिए होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सैकड़ों तरह के सूक्ष्म जीव, फफूंद और बैक्टीरिया और कीट के चूहे मिट्टी को ढीला बनाए रखते हैं, ये बात हम सब जानते ही हैं। खनिज पदार्थ जो होते हैं और वो मिट्टी के अंदर उपज बनाने का काम करते हैं। ह्यूमस खनिज सूक्ष्म जीव से तैयार विविध रसायन जैसे कल्चर, ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड, हार्मोन्स उपज को नाशकारी कीड़ों से बचाते हैं। अमृत मिट्टी को तैयार करने के जो चार मुख्य चरण हैं, उनमें सबसे पहला तो होता है अमृत जल को तैयार करना, फिर ढेर खाद तैयार करना, फिर जो ढेर है उसको हरितीकरण करना, ग्रीन उसको करना, फिर उस ढेर की जो देखभाल करना।